बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। बेटा आज हम लोग सुनहरे हरूफ का सफ़ा नंबर 8 करेंगे, ठीक है। नुक्ते लगाइए, अल्फाज बनाइए और पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पे हमने पिक्चर को देखना है कि किस चीज़ की पिक्चर है, उसके मुताबिक ही हमने नुक्ते लगाने। आपा है ये, तो हमने अलमद आ पे के नुक्ते नहीं लगाए हुए उन्होंने, तो हमने नुक्ते लगाने यहाँ पर। पेलिफ पा अलमद आ पेलिफ पा आपा, ये देखिए हमने नुक्ते लगाए हैं यहाँ पे। यहाँ पर पात लिखना है हम लोगों ने, पे अलिफ पा और ते के नुक्ते नहीं लगाए हुए उन्होंने। पेलिफ पा ते पात, अल्फमद आ पेलिफ पा आपा, पे अलिफ पा ते पात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बेलिफ बा से मिलाइए और लिखिए। यहाँ पे उन्होंने बेलिफ बा लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने कहा तीन हर्फ दिए हुए जिनके साथ हमने बेलिफ बा को मिलाना है और फिर लिखना है। सबसे पहले हम बेलिफ बा ते बात, बेलिफ बा को ते के साथ मिलाएंगे तो बन जाता है बात। बेलिफ बा ते बात, फिर बेलिफ बा को पे के साथ मिलाएंगे, बे अलिफ बा पे बाप। बेलिफ बा को पे के साथ मिलाया तो बेलिफ बा पे बाप। अब बेलिफ बा को टे के साथ मिलाएंगे, बेलिफ बा टे बाट, बेलिफ बा टे बाट। पहले हम लोगों ने पढ़ा है अल्फमद दा पेलिफ पा आपा, नुक्ते लगाने को उन्होंने कहा था, हमने पे के नुक्ते लगाए तो ये बन गया अल्फमद दा पेलिफ पा आपा। फिर हम लोगों ने पेलिफ पा ते पात, पेलिफ पा में पे के नुक्ते लगाए और ते में ते के नुक्ते लगाए, पेलिफ पा ते पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलिफ बा से मिलाइए और लिखिए। बेलिफ बा के साथ इन तीनों हरूफ को मिलाना है अलहदा अलहदा, जैसे कि हमने यहाँ पे मिलाया बेलिफ बा ते बात, बेलिफ बा पे बाप, बेलिफ बा टे बाट, ठीक है। फिर पढ़ें, बेलिफ बा ते बात, बेलिफ बा पे बाप, बेलिफ बा टे बाट। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है जोड़ के तोड़ लिखिए। अब यहाँ पे उन्होंने जोड़ लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने तोड़ लिखने हैं, बे अलिफ बा पे बाप। अब बे अलिफ में कौन कौन से, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ बोलती हूँ बे अलिफ बा, यानी कि पहले बे राइट करना है हमने, क्योंकि बे अलिफ बा, बे लिखा है यहाँ पे, फिर अलिफ, बे अलिफ बा, और फिर लास्ट में क्या है पे। बे अलिफ बा पे बाप, इसके तोड़ क्या है, बे अलिफ पे बाप, बे अलिफ पे बाप। नेक्स्ट है पेलिफ पा ते पात, पे अलिफ पा, क्या मैं बोलती हूँ पे अलिफ पा, और फिर नेक्स्ट क्या है ते, पे अलिफ पा ते पात। पहले हमने बाप के तोड़ लिखे हैं और अब पात पात के तोड़ लिखे हैं। उम्मीद है कि आपको इस सफ़े की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी रीडिंग करनी है, पहले इसको सॉल्व करना है उसके बाद इसकी रीडिंग करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।